दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सनी देओल की फिल्म गदर 2 11 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन से ही गदर मचाना शुरू कर दिया था। फैंस ने भी सनी देओल की फिल्म को खूब ज्यादा प्यार दिया और इस फिल्म का कलेक्शन 550 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि शाहरुख खान की फिल्म जवान 7 सितंबर को रिलीज हुई थी और इस फिल्म ने पहले ही दिन 75 करोड़ रुपए का आंकड़ा छू लिया था। फैंस भी इस फिल्म को काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं और ये फिल्म अब तक 600 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर चुकी है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि दोनों स्टारों में बिहेवियर में काफी ज्यादा फर्क है। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि सनी देओल और शाहरुख खान के बीच काफी समय पहले झगड़ा हुआ था, लेकिन इस झगड़े को गदर 2 की सक्सेस के बाद सुलझा लिया गया था। दोनों ने गर्मजोशी के साथ गले मिले और फोटो भी खिंचवाई। दोस्तों आपको बता दें कि शाहरुख खान और सनी देओल में जमीन आसमान का फर्क है। दोस्तों आपने वीडियो में देखा कि सनी देओल बिल्कुल सिंपल तरीके से खड़े हुए हैं, शाहरुख खान एटीट्यूड में फोटो खिंचवा रहे हैं। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि गदर 2 की सक्सेस के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, उसमें सनी देओल रोते हुए नजर आए थे। सनी देओल ने पब्लिक को थैंक यू और उनका धन्यवाद भी किया। इसके अलावा दोस्तों आपको ये भी बता दें कि सनी देओल इंडिया टीवी पर पहुंचे थे, वहां पर भी सनी देओल रोते हुए नजर आए थे। रोते हुए सनी देओल ने फैंस का धन्यवाद भी किया और थैंक यू भी बोला। एक तरफ शाहरुख खान ने भी जवान के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, लेकिन दोस्तों इसमें शाहरुख खान का घमंड देखने वाला था। एक तरफ सनी देओल भावुक नजर आए थे तो वहीं शाहरुख खान एक तरफ एटीट्यूड में नजर आए। दोस्तों आपको बता दें कि शाहरुख खान को एटीट्यूड तभी आ गया था जब उनकी फिल्म पठान सुपरहिट हुई थी। इसके बाद फैंस ने उनकी फिल्म जवान को भी खूब प्यार दिया, लेकिन शाहरुख खान ने फैंस के प्यार की कदर नहीं की और अपना एटीट्यूड जारी रखा। तो यही फर्क है दोनों एक्टरों में। सनी देओल अपने फैंस को थैंक यू धन्यवाद कर रहे हैं, शाहरुख खान अपने फैंस को एटीट्यूड दिखा रहे हैं। दोस्तों आपका क्या कहना है इस न्यूज़ पर कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। बॉलीवुड की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।